सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम जनरल साइंस की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसमें आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारी नॉलेज के लिए, हमारी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ह्यूमन बॉडी। जब हम ह्यूमन बॉडी वर्ड सुनते हैं या फिर देखते हैं कहीं पे लिखा हुआ, तो पढ़ने में ना ये बहुत ही इजी सा लगता है, और इवन देखने में भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं तो देखने में भी ना हमें बहुत इजी सा लगता है कि है ही क्या, कुछ भी नहीं है, दो हाथ पैर है, फेस है, एक सीधा सा स्ट्रक्चर है। तो अगर बाहर से देखें तो सिर्फ इतना सिंपल सा हमें दिखता है, बट जैसे जैसे हम बॉडी में अंदर अंदर घुसते जाते हैं तो हमारी बॉडी में इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इतनी सारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, हार्ट है हमारा, ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग है, बहुत सारी नर्व्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ह्यूमन बॉडी में जिसके बारे में हम सबको नहीं पता होता और इवन हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अब इस बार मैंने ह्यूमन बॉडी की या जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, तो अब जो मेरी वीडियोस आएंगी उनमें वन बाय वन एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी वाली चीज़ में क्या इम्पोर्टेंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ ह्यूमन बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो है बोन्स, हड्डियाँ हमारी। अब जो हड्डियाँ हैं वो हमारी बॉडी का बेस हैं, इससे हमारा स्केलेटन बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है हमें एक टाइप का। अगर सपोज हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर हड्डियाँ ही नहीं होती, बोन्स ही नहीं होती, तो हम कैसे से होते? जैसे केंचुए टाइप में इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी घूम जाते हैं, मीन्स कि हम खड़े भी ठीक से नहीं हो पाते। तो बोन्स की वजह से हमें स्केलेटन मिलता है, बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है। अब इसके अलावा जो बोन्स हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, तो इन चीज़ों को भी हमारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको भी हमारी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो आज हम सबसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बोन्स किस लिए इम्पॉर्टेंट है, कितने नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, किस क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से विटामिन असेंशियल होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट स्टार्ट। बोन्स, बोन अडल्ट्स में नंबर ऑफ बोन्स हैं 206 एंड छोटे बेबीज में जो बोन्स होती हैं 300 अप्रॉक्स होती हैं। उनमें कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, बट जो छोटे बेबी होते हैं उनमें 300 अप्रॉक्स होती हैं, तो कैल्शियम और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको ग्रो करवा के और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और स्केलेटन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब बोन्स का जो दो क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी बोन हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, कौन सी वाली हड्डी सबसे बड़ी होती है ह्यूमन बॉडी में? आंसर है फीमर। ये थाई बोन होती है, लेग्स में प्रेजेंट होती है, और ये ना सिर्फ सबसे बड़ी होती है बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट वेट ये कैरी करती है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट वेट हमारी बॉडी का पड़ा हुआ होता है। अब इसमें देखिए, लोअर एंड जो होता है फीमर का, वो टिबिया होता है, जो कि हमारी नी है। नी मीन्स की जो घुटना है हमारा, उसके पास, उस पर जो जॉइंट होता है वहाँ पे, उसे टिबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एग्जामिन अ स्केलेटन दे कैन टेल, कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट है या फिर जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी स्केलेटन को देखकर क्या क्या हमें बता सकते हैं? सो आंसर है एज, जेंडर, सर्टेन कॉज ऑफ डेथ। तो ये तीन कॉमन चीज़ें हैं जो हमें हमारे किसी के भी स्केलेटन से पता चलती है। सबसे पहले मैंने बोला है एज, एज कैसे पता चलती है? जो आपकी बोन डिके है, कितना उस पर मार्क्स हैं, किस कितनी बोन्स की डेंसिटी रह गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें एज का पता चलता है। जेंडर आपका दो चीज़ों से पता चलता है स्केलेटन को देख के, या तो स्कल, स्कल मीन जो हमारी खोपड़ी होती है, ब्रेन वाला पोर्शन, उसे देखकर, या फिर
जेंडर हमारे स्कल या फिर हिप बोन्स से पता चलता है। जो हिप बोन्स होती है मेल जो पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती है, नैरो होती है एज कम्पेयर टू फीमेल वन। तो आपकी दो चीज़ें जेंडर और एज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सर्टेन कॉज ऑफ डेथ। सर्टेन कॉज ऑफ डेथ की मीन्स कि नॉर्मल अगर सपोज आपकी बोन पे या जो स्केलेटन हमारे पास है उस पे कोई क्रैक है या फिर उसकी कोई बोन क्रैक है, फ्रैक्चर है या फिर किसी शार्प नाइफ का उस पे अटैक है, तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि नॉर्मल डेथ किस चीज़ से हुई होगी या फिर कोई बुलेट मार्क है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट एग्जामिन करता है स्केलेटन को देख के, ये तीन चार कॉमन चीज़ें बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स के लिए क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले कैल्शियम हम सबने सुना है और ये हम सबको पता है कि कैल्शियम होता ही होता है। इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, फॉस्फोरस, ये भी कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें जितने भी हमारे की न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें से कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए। हमारी बोन्स में 97% कैल्शियम का लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ द मैन। जो हमारा ब्रेन वाला पोर्शन है, हमारी स्कल है, खोपड़ी है, उसके अंदर कौन सी वाली बोन है जो मूव कर सकती है, तो उसका आंसर है मैंडिबल बोन। ये नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले जो पे होती है फेस पे, और ये एक लोअर जो भी होती है, इन तीनों में से आप इसको कुछ भी नाम बोल सकते हैं। मैंडिबल लॉन्गेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे फेस के ऊपर। जो हमारा चिन वाला पोर्शन है ये जो नीचे होती है इसे कहते हैं मैंडिबल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में। देखिए ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, लॉन्गेस्ट बोन या लार्जेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्टेपेज है जो कि हमारे मिडल ईयर के बहुत अंदर होती है, और लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर है जो कि थाई बोन होती है। नेक्स्ट इज अब बोन्स के बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है टीथ। टीथ हमारे 32 सेट्स होते हैं, 32 टीथ होते हैं। इसमें आपके दो बोन्स जो होती हैं स्कल की वो इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो खोपड़ी है मानव ह्यूमन बॉडी में, जो ऊपर ब्रेन वाला पोर्शन है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट बोन्स होती हैं जो टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है अपर टीथ और सेकेंड वाला लोअर वाला पोर्शन। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है जिसपे चिन आती है, ये वाले को मैंडिबल कहते हैं। मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया था कि मैंडिबल के बारे में, इसे जो बोन भी कहते हैं, और ये एक मूवेबल बोन होती है जिसे लोअर टीथ होते हैं जिसके ऊपर। नेक्स्ट है अपर वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं मैक्सिला, जो हमारा अपर वाला पोर्शन, अपर टीथ वाला पोर्शन बनाती है। अब टीथ जो है हमारे टोटल 32 हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ टीथ के ऊपर आती है, जो हमें बाहर से देखने में, जब हम किसी के टीथ देखते हैं तो जो वाइट और शाइनी पार्ट हमारे टीथ के ऊपर दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं। ये जब कभी भी फूड, ड्रिंक या फिर सलाइवा इनके कांटेक्ट में आता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एनेमल कहते हैं, जो हमें बाहर से दिखती भी है। अब जो एनिमल की लेयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जो किसी भी ड्रिंक, फूड या फिर हम कुछ भी खाते हैं उन सब से हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है। इसके नीचे एनिमल की जो लेयर है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसके नीचे जो होता है, जो एनिमल के नीचे जो लेयर होती है हार्ड टिश्यू की, उसे हम डेंटिन कहते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिखता है उसे क्राउन कहते हैं। क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब जैसे बोन्स के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही जो एनिमल है इसके लिए भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट इम्पॉर्टेंट होता है, इसी से ये बनी होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। टोटल कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स है यहाँ पे। फर्स्ट है इंसिजर्स, कैनाइंस, नेक्स्ट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ टीथ लिखा हुआ है। इंसिजर्स में 8 होते हैं, कैनाइंस में 4 होते हैं, प्रीमोलर्स में 8 होते हैं एंड मोलर्स में
12 होते हैं, मोलर्स एंड प्री मोलर्स ये सेट्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे टीथ में सबसे लास्ट वाला पोर्शन इनका होता है। सबसे आगे इंसिजर्स होते हैं और साइड्स में होते हैं कैनाइंस। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंसिजर्स। इंसिजर्स का काम क्या होता है, किसी भी फूड को बाइट करने का जो हम खाते हैं। जैसे सपोज आपने एप्पल को खाना स्टार्ट किया तो जो स्टार्टिंग में बाइट होती है वो इंसिजर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है कैनाइंस। कैनाइंस का मतलब होता है, क्या यूज है कैनाइंस का, ये शार्प और पॉइंटी सरफेस होता है जो फूड को फाड़ने का काम करते हैं, टियरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन में होते हैं, ये फ्लैट सरफेस होता है। इसके अलावा इसका काम होता है फूड को क्रश करने का इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसकी वजह से हम फूड को इजीली स्वॉलो कर सकें, उसको आसानी से निगला जा सके। नेक्स्ट आते हैं मोलर्स। मोलर्स में है, दे हैव ब्रॉडर एंड फ्लैटर सरफेस, हेल्प इन अ प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। फूड को ग्राइंड करने में ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक टेबल बना दी है कौन से वाले टाइप्स के टीथ का क्या काम होता है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया अडल्ट्स में 32 होते हैं, अगर चिल्ड्रंस में देखें तो 20 टीथ होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी या फिर टेम्परेरी कहते हैं, और जो ह्यूमंस में अडल्ट्स में होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी और परमानेंट टीथ कहते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी और टेम्परेरी टीथ होते हैं बच्चों में वो एक बार टूट कर दोबारा से नए आते हैं, और बट जो अडल्ट्स में जो टीथ होते हैं अगर वो एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा से नहीं आते हैं। उनमें उन्हें मिल्क टीथ भी कहते हैं जो बेबीज में होते हैं। उनमें सेट्स होते हैं 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइंस एंड 4 मोलर्स। इसके अलावा ये लर्निंग के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। इंसिजर्स का काम होता है कटिंग, कैनाइंस का काम टियरिंग, प्रीमोलर्स क्रैकिंग एंड मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग। अब जो हमने टीथ के पार्ट्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द टूथ। इन चारों में से कौन सा मटेरियल टूथ का सॉफ्ट होता है। एज वी ऑल नो कि जो टूथ है, हमारा टीथ है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बट इसमें जो सॉफ्ट वाला मटेरियल होता है वो पल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ टूथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन द पल्प। जो पल्प है, जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, सॉफ्ट मटेरियल है हमारे टूथ में, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्मफुल सॉफ्ट स्टिकी लेयर फॉर्म्ड ऑन द टूथ, तो उसको प्लेक कहते हैं। जब हम कोई भी फूड या फिर कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो उसके बाद में अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करते तो हमारे टीथ के ऊपर एक येलो कलर की लेयर आ जाती है और एक स्टिकी सी लेयर आ जाती है जो कि जर्म्स फूड पे होते हैं उसकी वजह से आती है। नाउ इसे प्लेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुगर प्लस प्लेक क्या बनता है, एसिड फॉर्म करता है जो कि एनिमल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, इससे टीथ की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन प्रिवेंट द डिजीज ऑफ ब्लीडिंग गम्स और स्कर्वी, कौन सा वाला विटामिन जो हमारे टीथ से या टूथ से जो ब्लड आता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, किसकी कमी की या डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, तो आंसर इज विटामिन सी। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो हमारे टीथ वाले पोर्शन पे पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हमने बोन्स एंड टीथ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।